नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। त्रिकालदर्शी होना सभी को भाता है। जो भी थोड़ा साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिनको अपनी शक्तियों का व्याख्यान करना है, वो सबसे पहला अपना परम धर्म समझते हैं कि उनको किसी भी व्यक्ति का जो उनके आमने सामने बैठे उसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पता हो। इसके लिए मैंने पहले भी कर्ण पिचासनी साधना दी थी और साथ में हिदायत दिया था मैंने कि उस साधना को नहीं करना है किसी को। कर्ण पिचासनी के बाद मैंने बोला था वारताली साधना होती है, देवपुत्री वारताली की साधना। वारताली साधना सिर्फ अपने गुरु परिवार में दी जाती है, तो मैंने बोला था ये अपने शिष्यों को दूंगा। एक साधना मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ये हनुमान जी की साधना है। इस साधना को करने से, हालांकि ये साधना एक चरण में नहीं होता है, तीन चार चरण में होता है, लेकिन इस साधना को एक बार आप कर लेते हैं तो आपके सामने जो व्यक्ति है उसका भूत भविष्य और वर्तमान, मतलब भूत पूरा, भविष्य लगभग पूरा और वर्तमान थोड़ा सा, ये आपके मनोचित्र में आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि क्या है, क्या होने वाला है, ये व्यक्ति किस मंशा से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या करता है। कठिन साधना है, बहुत सारी निम्न स्तर की साधनाएं होती हैं जो कि ये फल देती हैं। कर्ण पिचासनी के अलावा कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो कि आपको किसी का मनोदशा समझ के उसके विषय में बता देते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको भविष्य का पता नहीं चलता। आज किसी से मेरी वार्तालाप हो रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि अगले ने मुझे बता दिया कि मैं पहले क्या करता था। तो ये बताना बहुत बड़ा बात नहीं है। जो प्रेत होते हैं वो पांच तत्वों में बंधे हुए नहीं होते हैं, और जिस ध्यान से आप पांच तत्व के बाहर निकल कर आकाशिक लाइब्रेरी और आकाश गंगा को पढ़ने की कोशिश करते हैं वो पहले ही उसमें मिले हुए होते हैं। तो वो आपके आते ही आपके आसपास की जानकारी को पढ़ सकते हैं, जो आपके मानसिक पटल पे जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं वो पढ़ सकते हैं। तो वो आपका भूत बता सकते हैं, वो आपका वर्तमान बता सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य नहीं बता सकते। इस साधना में देखो भविष्य का भी क्या है, भविष्य कभी भी तय नहीं होता है। एक आत्मा जब इस पृथ्वी पर आती है मरने के लिए तो सिर्फ वो किस गर्व से आ रही है ये तय होता है, क्योंकि उस गर्व के साथ उस आत्मा का कर्म तय होता है। वो कैसे परिवार में आ रहा है, वो कुलीन परिवार में आ रहा है, वो अच्छे परिवार में आ रहा है, वो धनाढ्य परिवार में आ रहा है, वो गरीब परिवार में आ रहा है ना, तो वो ऐसे लोगों के बीच आ रहा है जो कि क्रिमिनल माइंडेड है या संत माइंड है। इससे क्या है कि इससे उसका आने वाला कर्म जो है वो शेप अप होता है। और जीवन में हर जगह जहाँ पे भविष्य की बात होती है एक इंसान के पास दो ऑप्शन रहता है, कभी एक ऑप्शन नहीं रहता। और अपने पूरे जीवन काल खंड में, मतलब एक जीवन नहीं, जो अनेकानेक जीवन जो एक आत्मा ट्रैवल करती है परमात्मा में मिलने से पहले, जिसमें उसको सब सीखना होता है, उसमें हर ऑप्शन पे उसको जाना होता है। तो आज हम लोग हनुमान जी की वो साधना सीखेंगे जिसमें भूत भविष्य तो पता चलता है लेकिन साथ में भविष्य का भी एक झलक प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? वैसे प्राप्त होता है कि इंसान का जो अभी का कर्म है वो बहुत हद तक बता देता है कि जो भी ऑप्शन उसके लाइफ में आने वाला है वो उस ऑप्शन में क्या ऑप्ट करेगा और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, वो भी समझ इस मंत्र में आता है। तो इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है? इस मंत्र को पहली बार कम से कम 10,000 जाप होता है ग्रहण काल में, जैसे ग्रहण की रात्रि है उस रात्रि में इसका 10,000 आप जाप करेंगे। ठीक है, 10,000 जाप करके आप लॉन्ग से इसका 10,000 आहुति देंगे, सॉरी दशांश आहुति देंगे। ये करने के बाद पहला चरण खत्म हो जाएगा। इस चरण के खत्म होते ही आपको कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगेंगी, जैसे जो लोग आपके सामने बैठे हैं उनका भूत भविष्य आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। इसके बाद उस पूरे वर्ष में नवरात्रि के 9 दिन
काली चौदस का दिन और जितने भी शुभ तिथि आएंगे उन सब को मिला करके, मतलब गणेश चतुर्थी है, काली चौदस है, या फिर जितने सारे शुभ दिन है सब मिला करके, आपको उस पूरे साल में इस साबर मंत्र का 1,00,000 जाप करना है। जाप करने से पहले हमेशा गुरु का वंदना कर ले, गणपति का वंदना करें, ठीक है, और महाशून्य की वंदना करें। गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो पहली रात में 10,000 जाप, दशांश हवन लौंग से। उसके बाद पूरे साल में जितने शुभ दिन आएंगे, जितना उत्सव वाले दिन है, हर रोज का जाप करके पूरे साल में मिला के आपको 1,00,000 जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बताशा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी का चेला अंजनी का लाल, अमुक मनुज के पीछे। अमुक मनुज मतलब जो भी व्यक्ति है उसका नाम लिखे अमुक के जगह बोल के, अमुक मनुज का पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरत ही बताओ ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जया, हनुमान मारो काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। फिर से सुनिए, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बताशा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी का चेला अंजनी का लाल, अमुक मनुज का पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरत ही बताओ ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया, हनुमान मारो काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। इस मंत्र का आपको 10,000 पहली रात में और पूरे साल भर में 1,00,000 जाप करना है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा तिथियों के ऊपर, आपको अगर हर तिथि में आप ना भी कर पाए तो जो मुख्य तिथि जैसे 9 दिन नवरात्र का है तो 4 नवरात्रि हो गई, दीपावली का दिन मुख्य होता है, होली का दिन मुख्य होता है, और कोई ग्रहण काल अगर हो, ये सारे समय में आप लोग इस साधना को करेंगे। एक चीज़ और, हर साधना में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि धूप दीप नवेद लगेगा, और जो साधना की सामग्री होती है वो हमेशा याद रखिएगा, जो भी साधना की सामग्री आप लोग प्रयोग करते हैं, चाहे फूल हो चाहे प्रसाद लेने के बाद जो भी बचा हुआ हो, वो सब अविलंब आप लोगों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साधना का एक विधान है, साबर मंत्र के साधना का एक विधान है कि आपने अगर रात साधना की तो दिन को ना पता चले कि उस जगह पर साधना हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। माँ तारा साधना के लिए आप लोग बहुत लोगों ने अपना अपना नाम और डिटेल भेजा है, कुछ लोगों ने जो उसमें सेवा लगी की वो भी भेज दिया है। जो लोग 51 दिन की नवरात्रि साधना में आ चुके हैं वो माँ तारा साधना के लिए फिर से एनरोल मत होइए, क्योंकि माँ तारा की साधना आप इस कालखंड में नहीं कर पाएंगे, आप आगे वाले कालखंड में माँ तारा की साधना कर सकते हैं। अभी जो 51 दिन की साधना है वो 51 दिन की साधना नवरात्र के दृष्टिकोण से मैंने करवाया है। जिन लोगों का ये 51 दिन का साधना छूट गया है वो 31 दिन पहले भी एक साधना में शुरू करूँगा, तो उस ग्रुप में जुड़ करके आगे आप सीख सकते हैं। बहुत लोगों का अभी मैसेज आ रहा है कि गुरु मंत्र गुरु दीक्षा कैसे होती है, तो दो तीन विषय है इसमें कि आप पहले अगर जैसे कि अभी 2-3 तारीख को हमारा शिवपुरी में शिविर है, तो आप पहले अगर एनरोल हो जाते हैं, अभी 4 सीटें शायद बची हुई हैं क्योंकि रूम बढ़ गया, तो आपका नाम हमारे गुरुदेव के पास जाता है अघोर अखाड़े के पास, वहाँ से क्लियरेंस होता है कि इन लोगों को शिविर में बुलाया जा सकता है और इनको दीक्षा दी जा सकती है। तो जो लोग अभी आना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 4 लोग अभी और आ सकते हैं और उनका नाम अघोर अखाड़े से पास करवा कर उसके बाद साधना शिविर में आकर के आप मुझसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अभी बताए हुए साधना को करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान वाला, वो लोग मुझसे एक बार अगला जो भी ग्रहण आएगा उससे पहले एक बार बात करें, क्योंकि इसमें एक विशेष तरह की पवित्री लगती है। वो पवित्री मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आप लोगों को ऐसे भी मिलेगी नहीं बाजार में। तो जिन लोगों को ये साधना करनी है 1 साल की, वो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क में है और मुझसे वो पवित्री बोल दे कि उनको चाहिए, क्योंकि उस पवित्री को मिलने में भी कम से कम 15-20 दिन लगते हैं।
जिनको बेसिक साधना सीखनी है मुझसे, जो शुरुआती साधना होती है जो गुरु मंत्र से पहले आप लोगों को जानना चाहिए, उसके लिए मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है 9431188585885 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए वो www.aghortantrasa.xyz पर जाइए, वहाँ पर अपॉइंटमेंट सेक्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। ऐसा करने से किसी और को भी असुविधा नहीं होती, ऐसे मैं फ़ोन ऑन करता हूँ आपको भी फ़ोन करते रहते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए। कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @CMO पर आप सर्च कीजिएगा तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, मतलब आदेश।